开心地分享手上甜点，庆祝印度国会通过一条能保障他们权益的法律。आज वाकई में हकीकत में हम लोग बहुत खुश हैं और इसका दिल से हम लोग बयान कर सकते हैं कि जो पीड़ित महिलाएं होने वाली थी वो बच जाएंगी और उनका टूटने से घर बच जाएगा।印度国会在30号以99票对84票通过法案，将国内伊斯兰男教徒利用口头表达、传简讯或透过社群媒体说三次阿拉伯语的离婚就正式休妻的行为列作刑事罪行，违法者可能最重被判3年有期徒刑。等总统签署后，法令就正式生效。आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, जो बहनों हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी चल रही थी।早在2017年8月，这项法案被印度最高法院判决违反穆斯林妇女的宪法权利，也敦促国会正式立法。但反对派认为法律不该插手家务事，也担心这项法令可能遭到滥用。हम तो विरोध कर ही रहे थे, तो हम चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी में जाए और इसमें कुछ संशोधन हो। हमने अमेंडमेंट्स मूव किए, लेकिन सत्ताधारी ने बात नहीं मानी।有些印度伊斯兰团体虽然不认同口头离婚，但也希望这项法案能改由穆斯林族群领袖审视。可兰经和伊斯兰教法没有提到口头离婚，但这行为在伊斯兰世界实行好几十年，让许多妇女不明不白被抛弃。目前超过20个伊斯兰国家都明令禁止。大爱新闻郑宇轩编译。